सुबह सुबह एटीएम की पड़ताल करते हुए हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के हल्लो माजरा इलाके में, और जिस जगह पर हम हैं यहां पर सीआरपीएफ की एक बटालियन का मुख्यालय है। यहां पर जो आप एटीएम देख रहे हैं, अमूमन इसमें कैश रहता है क्योंकि ये एक अहम स्थान है, और रात के वक्त में भी इस एटीएम में कई बार हमने देखा है कि लोग कैश निकाल पाते हैं। लेकिन आज की हमारी पड़ताल में ये एटीएम भी फेल रहा, और यहाँ पर देखिए सुबह सुबह तमाम लोग जो इस उम्मीद में पहुंचे थे कि नकदी मिलेगी, उन्हें निराशात लग रही है। ये बताइए, सुबह सुबह मैं देख रहा हूँ आप ठिठुर रहे हैं, निराशा हो रही है एटीएम में पैसे निकलने। सर क्या करें, हम रात की ड्यूटी है, सोच रहे थे कि रात में कहीं एटीएम रास्ते में मिलेगा पैसे निकाल लेंगे, दिन में तो लंबी लाइन होती है हर रोज, तो अभी यहाँ है तो अभी भी यहाँ कैश नहीं है। शादी में जाना है, अच्छा, तो गाड़ी में डीजल भी डलवाना है, ठीक है, शादी में भी देना पड़ता है। मैं जॉब करता हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, सामने एम्बुलेंस खड़ी करके आया हूँ। अच्छा, सिविल हॉस्पिटल से। तो ये देखिए सिविल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ये चलाते हैं, सामने एम्बुलेंस लगा है, एम्बुलेंस से उतर करके ये इस एटीएम में आए नकदी निकालने के लिए, लेकिन ये निराशा हाथ लगी। अभी सुबह के 4:35 हुए हैं और हम हैं अहमदाबाद के एसजी हाईवे के गुरुद्वारा एरिया में। खास करके यहाँ पर दो बैंक के एटीएम आए हुए हैं, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और उसके बगल में ही इंडसइंड बैंक का एटीएम आया हुआ है। खास करके आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक का जो एटीएम है वो खुला हुआ है, हमने अंदर जाकर पैसे निकालने की कोशिश की पर एटीएम के अंदर पैसे नहीं है। और अब बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम की, तो उसका एटीएम का जो शटर है उसको ही बंद किया हुआ है, मतलब साफ है बैंक के अंदर पैसे नहीं है। अभी सुबह के 4:35 हुए हैं, अहमदाबाद के हमने विभिन्न जो एरिया के जो एटीएम थी उसकी रियलिटी चेक की, पर ज़्यादातर जो एटीएम थे वो हमको बंद हालत में मिले। कैमरामैन अवनीश तिवारी के साथ निकुंज जानी, एबीपी न्यूज़ अहमदाबाद। नोटबंदी को तकरीबन 24 दिन गुजर चुके हैं और अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। सुबह के इस वक्त जब जयपुर में हम खड़े हैं, देखा जा सकता है कि गुलाबी सर्दी का थोड़ा सा असर नजर आने लगा है। जिस एटीएम पर अगर हम सुबह 5 की बात करें तो रात भर लोग खड़े रहते थे पैसे निकलवाने के लिए, वहां हालात अब सामान्य होते जा रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि लोग एटीएम मशीन पर आ रहे हैं और अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकाल रहे हैं। हालांकि लिमिट अभी भी 2500 की है, एक बार में एक ही कार्ड से 2500 पे निकाले जा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर फिलहाल स्थिति सामान्य। अभी अभी एटीएम से पैसे निकाल कर आए हैं, आपका नाम बताएं? विभोर जवर। विभोर जी बताएं कितने रुपए निकले? सर 2000। कितनी देर लगी आपको? सर एक मिनट नहीं लगी, एक मिनट ही लगा। और वो हालात भी देखे आपने पिछले 24 में जब भारी भीड़ थी? सर बहुत सुधार हुआ है, बहुत हद तक सुधार हुआ है, अब आसानी महसूस होने लगी है। सुधीर जी पैसे निकलवाए? अभी पैसे निकलवाए, 2000 निकल रहे हैं अभी। क्यों, 2500 क्यों नहीं निकाले? वो खुले नोट है, 500 वाले है नहीं, सिर्फ 2000 वाले बाकी हैं। तो ये दिक्कत आ रही है इसकी वजह से? हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, छुट्टे का थोड़ा परेशानी हो जाता है, लेकिन चल जाता है काम, नया नोट मिल रहा है। अभी हम है साकेलाका इलाके में, साकेलाका इलाके में ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ये शाखा है, लेकिन इसमें का अगर एटीएम हम देखें तो इसमें का एटीएम अभी भी बंद है, ये कई दिनों से एटीएम बंद है। इसमें जो भी पैसे आते हैं वो पैसे अचानक यहाँ पे जो लाइन लगती है उस वो लाइन यहाँ पे वो पैसे ले जाती है, मतलब वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 2000 के नोट रहते हैं, 500 के नोट रहते हैं, और लोग जो है वो जल्द से जल्द आके अपने पैसे एटीएम से निकालते हैं। अभी भी इस एटीएम ये जो है वो एटीएम आउट ऑफ कैश दिखा रहा है, मतलब इस एटीएम में पैसे नहीं है। ऐसे ही ये जो सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही इसके बाजू में एचडीएफसी बैंक है, वो एचडीएफसी बैंक का जो एटीएम है वो भी बंद है, और उसी के यही सेंट्रल बैंक है उस तरफ जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एटीएम है वो भी बंद है। ऐसे अगर देखा जाए तो मुंबई के कई इलाकों में हम सुबह 4 से घूम रहे हैं, जिसमें मुंबई का अंधेरी इलाका है, जोगेश्वरी इलाका है, दादर इलाका है, और मुंबई का अन्य कई इलाके हैं जिसमें अभी भी एटीएम शुरू हुए नहीं है। सुबह का करीब 4:30 का समय है और जम्मू की एक और सर्द सुबह, तापमान अभी 10 के आसपास होगा, ठिठुरन है, ठंड है, और इस ठंड के बीच एबीपी न्यूज़ आया है जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में। नोटबंदी के बाद लोगों को हो रही
परेशानियों को देखने। इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो तीन मुख्य बैंकों के एटीएम यहां है। जम्मू कश्मीर बैंक का एटीएम है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है और पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। तीनों बैंकों में से दो बैंकों के एटीएम में इस समय कैश है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो आप एटीएम देख रहे हैं इसमें कैश है, आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कैश नहीं है और पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में कैश है। लेकिन लोग नदारद हैं क्योंकि लोगों की कोई कतार यहाँ नहीं देखी जा सकती। हालांकि थोड़ी सी चहलकदमी शहर में शुरू हो गई है, जिन लोगों को सुबह सुबह कहीं ज़रूरी काम से जाना है सिर्फ वही लोग घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन कैश को लेकर यहाँ कोई मारामारी नहीं है। दो एटीएम्स में इस समय कैश है। ये जो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम आप देख रहे हैं इसमें लोग अपनी नकदी जमा भी करा सकते हैं, लेकिन किसी तरीके की भीड़ यहाँ जम्मू के इन एटीएम्स के बाहर नहीं है।